अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट एंड सेवरीज बाय शेफ सुमेरा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का, फीडबैक का और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स का। इसी तरह कमेंट करते रहिए, ट्राई करते रहिए रेसिपीज़, तो दैट मुझे पता लगे कि मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ ये वाकई में वसूल हो रही है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का क्विक एंड ईजी ट्राइफल, चॉकलेट ट्राइफल। कौन सा चॉकलेट ट्राइफल हम बनाएंगे? कैडबरी चॉकलेट ट्राइफल। कैडबरी एक ऐसी चॉकलेट है जो हर घर में लाजमी होती है, एंड बाय एनी चांस अगर आपके पास ये चॉकलेट नहीं है, सो डोंट थिंक यू कैन नॉट मेक इट विद एनी अदर चॉकलेट। आपके घर में जो चॉकलेट पसंद की जाती है आप उसके साथ उसको बना सकते हैं, मिल्क चॉकलेट, प्रेफरेबली मिल्क चॉकलेट। ठीक है, नट्स होंगे तो वो इतना मज़े का नहीं आएगा टेस्ट। इस रेसिपी में बहुत सिंपल सी चीज़ें डलती हैं, घर में इजीली मौजूद होती हैं। इस रेसिपी का फ़ायदा ही यही है कि ये बहुत जल्दी बन जाती है। आपको पता है मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, कोई अचानक आ जाए, आपको 2-3 घंटे का नोटिस दे एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि अब हम बनाएं तो क्या बनाएं। सो दिस इज़ वन डिज़र्ट जो आप फटाफट बनाकर, बस 2 घंटे का टाइम होना चाहिए, वो भी चिलिंग के लिए। बनाने में इसमें कोई चीज़ नहीं लगती। इसके लिए आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर, बिकॉज कैडबरी चॉकलेट ट्राइफल है तो यहाँ पर मैंने कैडबरी चॉकलेट लिया है। दिस इज़ अबाउट 150 ग्राम्स। ठीक है, ये है तकरीबन जो हमारे, ये लोकल है बाय द वे। ठीक है, आप इम्पोर्टेड वाला भी ले सकते हैं। तो ये लोकल जो है ये मेरे 4 से 5 बार्स हैं, ये है। अच्छा, इसमें बेस जो डलेगा ये आप किसी भी खूबसूरत से ग्लासेस में बनाएं तो ये अच्छा लगता है, इस तरह के परफेक्ट ग्लासेस में, शॉर्ट ग्लास में भी बन सकता है, बट इसकी लेयरिंग इसमें हम देंगे तो ये इसमें प्यारा लगेगा। तो लेयरिंग के लिए हम इसमें ब्राउनीज़ डालेंगे। ब्राउनीज़ मेरी होममेड है, मैं ब्राउनीज़ अपनी सिखा चुकी हूँ कुछ दिन पहले, सिजलिंग ब्राउनी जो हमारा शो था उसमें। अगर आप लोगों ने शो नहीं देखा है तो मैं लिंक इधर दे रही हूँ, आप शो देख सकते हैं। तो ये वो वाली फज ब्राउनीज़ आप बना सकते हैं। इसको हम लेयर करेंगे ब्राउनी से। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ये, दिस इज़ नॉर्मल टेट्रा पैक क्रीम। ठीक है, टेट्रा पैक क्रीम में ये है 100 ग्राम्स। इसके अंदर मैं डालूँगी ये चॉकलेट 150 ग्राम्स, और फिर हम इसको चूल्हे पर रखेंगे कुक करने के लिए इतनी देर के लिए कि जब तक हमारी चॉकलेट सारी मेल्ट हो जाए। इसके बाद मैं इसको चूल्हे पर रखूँगी, मेल्ट करूँगी, फिर हम बताएंगे आपको थर्ड स्टेप क्या है। ये देखें, यहाँ पर इसको मैंने रख दिया है, बिल्कुल इसको मिक्स विक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब खुद ही साइड में से हम देखेंगे बबल्स आ रहे हैं तो फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छे से हमारा चॉकलेट और क्रीम मेल्ट हो गई है। ठीक है, इसी तरह से अब इसका हम करेंगे चूल्हा बंद और अब हम इसको लेके जाएंगे टेबल पर। अच्छा, ये देखें, ये चॉकलेट और क्रीम का मिक्सचर रेडी है यहाँ पर। इसको आप मिक्सअप ना होना, ये यहाँ पर जो मेरे पास है ये व्हिप्ड क्रीम है। ठीक है, व्हिप्ड क्रीम हमें फिटी हुई जो होती है, फिटी हुई क्रीम ये चाहिए तकरीबन 1 कप। और यहाँ पर जो टेट्रा पैक की क्रीम डाली थी वो मैंने 1 पैकेट डाला था विथ 150 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। ठीक है, ये मेल्ट हो गया। अब ये थोड़ा सा इसको देखे रूम टेम्परेचर पे ला के, गरम गरम नहीं, ये मैं इसमें फोल्ड करूँगी। ठीक है, आई थिंक ये पूरा नहीं जाएगा, आई विल सी कि कितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से। ये देखें, ये इसी तरह से इसका इतना खूबसूरत सा कलर होना चाहिए। अब मैं इसको फिल करूँगी अपने आइसिंग बैग में, दिस इज़ ऑप्शनल। इससे होता ये है कि ये एक तरीके से नीटली ये आपके ग्लासेस में पोर इन होता है। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से ये एक लेयर हो गई। अब मैं दोबारा से इसमें एक लेयर ब्राउनी की डालूंगी और फिर वापस से हम इसको लेयर करेंगे। ये देखें, ये रेडी हो गए हैं। एक मैंने रखा है आपको दिखाने के लिए। करना क्या है, आप सब लेयरिंग देनी है, ग्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लेयरिंग आएगी। ठीक है, मेरे ग्लासेज में 2 लेयर्स आई हैं, ब्राउनी चॉकलेट एंड क्रीम मिक्सचर, ब्राउनी चॉकलेट एंड क्रीम मिक्सचर। ठीक है, ऊपर से आप थोड़ा सा चॉकलेट को बस ग्रेट करके डाल दो। ये भी डेयरी मिल्क ही है, कोई भी साथ में आप कुकी लगा दो, चॉकलेट लगा दो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने चॉकलेट के वेफर्स लगाए थे। ठीक है, अच्छा, साथ में अब हमने क्या करना है, क्रीम पाइप करनी है। वॉलनट, अगेन दिस इज इंटायरली ऑप्शनल, और थोड़ा सा ब्राउनी जस्ट टू ऐड मोर कलर। आप चेरी भी डाल सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, आपको जिस तरह इसको
डेकोरेट करना है। ये डेयरी मिल्क चॉकलेट ट्राइफल रेडी है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।